तो दोस्तों मैंने लिया एक ट्राइपॉड। चलिए फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों ट्राइपॉड दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज है और एक यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हो, और ये दोनों चीज़ों के लिए मुझे एक वीडियोस अच्छे से शूट करने के लिए और फोटोज निकालने के लिए एक बजट ट्राइपॉड की ज़रूरत थी, और मुझे ये अच्छा लगा और मुझे काफ़ी अच्छी डील मिली, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। तो एनीवेज, जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्राइपॉड के साथ इन्होंने एक अच्छी सी बैग दी है जो काफ़ी हैंडी है। तो ये है हमारा ट्राइपॉड। ये एक सेमी प्रोफेशनल टाइप का ट्राइपॉड है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, लेकिन अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे इन्होंने ग्रिप्स दिए हुए हैं जिससे कि ये स्लिप ना हो। यहाँ पे इन्होंने बबल का मीटर भी दिया हुआ है जिससे कि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। चलिए तो अब हम इसे फंक्शनल बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्विंग आर्म को लूज़ और टाइट करने से आप अप एंड डाउन मूवमेंट्स भी कर सकते हो, और राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट्स तो आ ही जाते हैं, जैसे कि आप एक एंगल सेट कर सको और अपना वीडियो अच्छे से ले सको। वैसे तो सच बोलूँ तो इसके आर्म के मूवमेंट्स फ्लूइडिक तो नहीं है, लेकिन स्मूथ ज़रूर है। फ्लूइडिक मूवमेंट एक अलग ही लेवल होता है जो आपको बहुत ही महंगे ट्राइपॉड्स में दिखाई देता है, और ये ट्राइपॉड एक सेमी प्रोफेशनल ट्राइपॉड होने की वजह से आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी ही होगी, और जिस प्राइस के लिए आप ये ट्राइपॉड खरीदोगे उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। ट्राइपॉड के साथ आपको दो कैमरा माउंट्स मिलते हैं जो लॉक अनलॉक फीचर्स के साथ आते हैं और आपका काम काफ़ी आसान कर देते हैं। एक क्विक रिलीज लीवर दिया गया है जिससे कि आप माउंट को आसानी से लॉक अनलॉक कर सको। तो ओवरऑल ये है कुछ फीचर्स की लिस्ट जो बॉक्स पे प्रिंट किए गए हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और वो है हाइट। इस ट्राइपॉड की हाइट आप मैक्सिमम 4.5 फीट तक एक्सटेंड कर सकते हो। ट्राइपॉड के लेग्स मुझे काफ़ी स्टर्डी लगे, और इसके एंड पे मुझे ये रबर के टिप्स दिखे जिससे कि ट्राइपॉड को एक अच्छी ग्रिप मिलेगी जब वो स्मूथ सर्फेसिस पे खड़ा होता है। ट्राइपॉड के लेग एक्सटेंशन करने के लॉकिंग अनलॉकिंग क्लिप्स भी ओके टाइप के हैं। They may not be the best locking unlocking clips, लेकिन आपका काम जरूर चल जाएगा। अब हम आते हैं क्विक रिलीज प्लेट या कैमरा माउंट के पास। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कैमरा माउंट को निकालना और लगाना बहुत ही आसान है, और इसी वजह से इसे क्विक रिलीज प्लेट कहते हैं। अब आखिर में आते हैं इसके वेट के बारे में। वेल, दिखने में तो ये काफ़ी वजनदार दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये काफ़ी हल्का ट्राइपॉड है। बॉक्स पे इसका वेट लिखा गया है 700 ग्राम्स, और मैंने जब इसे उठाया तो मुझे उतना भी नहीं लगा, एक और हल्का लगा मुझे, था नहीं क्यों। तो ये था मेरा वीडियो इस ट्राइपॉड के बारे में। सो एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय। अरे मेन बात तो भूल ही गया, इसके ऊपर आप DSLR भी माउंट कर सकते हो। चलो।